लाख की लूट हुई। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। सभी अपराधी मास्क पहने हुए थे। अपराधियों ने बैंक में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन काट दिया। बैंक कर्मियों ने बताया कि जब अपराधी बैंक में घुसे तो सभी कर्मियों को बाथरूम में बंद कर दिया गया। महिला कर्मचारियों और गार्ड के साथ मारपीट की गई है। कर्मियों से चाबी लिया गया। बोल्ट खोलकर सारे पैसे लेकर ये अपराधी फरार हो गए हैं। अपराधी धनबाद व चंदन क्यारी की ओर अलग अलग दिशा में भागे हैं। बैंक कर्मियों ने घटना की जानकारी चास थाने में दी है। सूचना मिलते ही चास पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सभी अपराधियों के पास पिस्टल थी और 2 अपराधियों के पास देसी बम भी था। एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया इन अपराधियों ने। इंडियन बैंक में इन अपराधियों ने बैंक डकैती को अंजाम दिया और 40 लाख रुपए की डकैती की है। बहुत ही शातिराना तरीके से इन अपराधियों ने, इन लुटेरों ने बैंक के अंदर रखे पैसे 40 लाख रुपए लूट लिए और अलग अलग दिशा में फरार हो गए। चंदन क्यारी की तरफ कुछ भागे है और कुछ धनबाद की तरफ भागे है। पुलिस मुस्तैदी के साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। और ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं कि बाहर अपराधी खड़ा है, फोन पे बात कर रहा है और बाकी के अन्य अपराधियों के इंतजार में हैं। अंदर का वीडियो इसलिए उपलब्ध नहीं हो सका है बैंक के अंदर का, क्योंकि इन शातिर अपराधियों ने सीसीटीवी का कनेक्शन जो है वो काट दिया। बताया गया कि जो अंदर कर्मचारी थे उन्हें बाथरूम में बंद किया गया। महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, चाबी लिया गया और बोल्ट में जो 40 लाख रुपए कैश रखे थे, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए पुलिस अब इन अपराधियों की पहचान में जुट गई है। इन अपराधियों की यह तस्वीर और इसी आधार पर पुलिस इन अपराधियों को अब तलाश कर रही है, ढूंढ। लगभग 1:15 बजे की घटना है चास में, इंडियन बैंक जहां अभी आप लोग हैं। यहां पे 6 की संख्या में अपराधी आए थे और यहां के जो कर्मचारी हैं और जो कस्टमर थे उनको बंधक बना के, जो बैंक हम लोग को फिगर बता रहा है लगभग 39 लाख कुछ अमाउंट का बता रहा है। खैर ये वेरिफिकेशन की चीज़ें, 39 लाख रुपये यहाँ से लूट के ले गए हैं। 3 बाइक में आए थे, हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ऑलरेडी वीडियो हम लोग को मिल चुका है, वीडियो रखा हुआ है यहाँ पे, हम लोग उस बेसिस पर अपना कार्रवाई कर रहे हैं। जो गार्ड है, प्राइवेट गार्ड है, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, बाकी किसी कस्टमर और कर्मचारी के साथ घटना नहीं। लड़ाई हुआ, बस हम गिर गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।